दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA ने मेहरौली में मौजूद मस्जिद अखुंजी को 30 जनवरी को अवैध होने के नाम पर मिसमार कर दिया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह मस्जिद करीब 700 साल पुरानी है, लेकिन DDA का दावा था कि यह मस्जिद उसकी ज़मीन पर मौजूद है। इस दावे के साथ DDA ने मस्जिद, एक मदरसे और कब्रिस्तान पर भी बुलडोजर चलाया था, लेकिन अब कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जिन्होंने DDA की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की ओर से सोमवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के एक अधिकारी ने 1922 में इस मस्जिद को अपनी रिपोर्ट में सूचीबद्ध किया था। अधिकारी का नाम था मौलवी जफर हसन। वो ASI में सहायक अधीक्षक के पद पर काम करते थे और उन्होंने लिस्ट ऑफ मोहम्मदन एंड हिंदू मॉन्यूमेंट्स Volume 3 के नाम से एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसी रिपोर्ट में मस्जिद अखुंजी का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट में लिखा गया था कि 1398 ईस्वी में तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, तब अखुंजी की मस्जिद ईदगाह के पश्चिम में लगभग 100 गज की दूरी पर मौजूद थी। निर्माण की तारीख अज्ञात है, लेकिन 1853 ईस्वी में इसकी मरम्मत की गई थी। यानी यह मस्जिद 700 साल पहले मौजूद थी और करीब 125 साल पहले इसकी मरम्मत भी की गई थी। अब आते हैं DDA के दावे पर। DDA का कहना है कि यह मस्जिद संजय वन में मौजूद थी, जो एक संरक्षित जंगल है। DDA की कार्रवाई पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि संजय वन को 1994 में संरक्षित किया गया, जबकि मस्जिद 700 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इतिहासकार सोहेल हाशमी का भी यही कहना है। वो इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में कहते हैं, इस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, यह कामकाजी मस्जिद है। संजय वन भूमि के अस्तित्व में आने से पहले यह मस्जिद अस्तित्व में थी और इसलिए इन इमारतों को अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 30 जनवरी बरोज मंगलवार DDA के कुछ बुलडोजरों ने दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद अखुंजी को सुबह 6 बजे मिसमार कर दिया था। मस्जिद के साथ साथ मदरसे और कब्रिस्तान पर भी बुलडोजर चला था। मस्जिद के इमाम, मदरसे की टीचर और मदरसे में रहने वाले बच्चों को सड़क पर खड़े होकर यह तमाशा देखना पड़ा था। मस्जिद के इमाम जाकिर हुसैन का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने बुलडोजर कार्रवाई के वक्त उनका मोबाइल जब्त कर लिया था। वहीं जमियत उलेमाए हिंद का दावा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, इसलिए डिमोलिशन गैर कानूनी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी DDA से इस कार्रवाई का जवाब मांगा है। अदालत ने 31 जनवरी को दिए गए अपने आदेश में DDA से सवाल किया था कि 600 साल पुरानी मस्जिद को गिराने का कारण क्या है। DDA को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। इसके अलावा न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने DDA को आज यानी सोमवार को ये भी आदेश दिया कि वो मस्जिद और मदरसे की ज़मीन का स्टेटस को बरकरार रखें, यानी अगली सुनवाई होने तक उस ज़मीन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। स्टेटस को बरकरार रखने की मांग दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से की गई थी। मामले की अगली सुनवाई अब 12 फरवरी को होगी। इस मामले में आगे जो भी होगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए वतन समाचार।